उड़ी रहता है, वो उड़ी रहता है। दो मियाँ बीबी का झगड़ा हो गया, उनको क्या था, उनको क्या था मेरे बेटे को मारना। उसकी बीबी ने उन लोगों को बुलाया, उसकी बीबी ने उन लोगों को बुलाया तो उन लोगों ने मेरे बेटे पे हमला कर दिया, मेरे बेटे पे हमला कर दिया, मेरे बेटे को बिल्कुल ही मार के छोड़ा, मेरे बेटे को बिल्कुल ही मार के छोड़ा, मेरे बेटे को बिल्कुल ही मार के छोड़ा। मैं अकेली पड़ गई, मैं अकेली पड़ गई। मेरा यही एक बेटा था, मेरा यही एक बेटा था, मेरा यही एक बेटा सा, मेरा यही सहारा था। मेरे बेटे को मार देंगे, कहाँ कहाँ से है आप? बेटे ने मार दिया मेरे बेटे को, मार दिया इन लोगों ने, मार दिया। वाक्य किस कंगो पेश छन पाई दब एम सु जनान आई मैं दवान दवान दवा इमिश मेनिस बेमस सी लड़े तेम गोडनस टस तो तारिक ने बच निकी सोनुक अस्पताल दो आदमियों ने मेरे बेटे को मार दिया है बेटा, सलीम शेख ने और आसू शेख ने, वो उड़ी रहता है। बीबी को दो मियाँ बीबी का झगड़ा हो गया था, अब दो मियाँ बीबी के झगड़े में उनको क्या था, उनको तो कुछ नहीं था, मत था। इन लोगों ने मेरे बीबी ने बुलाया अपने परिवारों को, इन लोगों ने मेरे बेटे को बिल्कुल ही मार दिया, बिल्कुल ही मार। में किसने किसको मारा? सलीम शेख। सलीम शेख कौन है? उसका जीजा है, मेरी बहू का जीजा है। इन दोन बचन लड़ाई अम्च पेने ओलव गुस मेकस तेन जो सोचस गलव दोपस मास कल फटन तम आम दौर दौर अस मास असल पमो खबर क्या कर्म तो लख लख ग क्या गम पता कि मेन पाई कुछ अच्छे पे जड़प गो जड़प खबर अच्छा पुलिस गई वो तुम पुलिस गई अज सुबह रात पे वन यह पेमुत वस अच्छा वन वन ब्याह जाम तुर कान सह मान बाकनि पता आशू तेस कूत टाइम गो खान तुंदिस बचस गो लग भग त्रुवा त्रुवा क्या वह तरह नरबर तरह कम सही हमारे भाई के साथ ऐसा क्या ज़ात मामला था इन लोगों को, हमारे भाई को ये बार डाला आज इन लोगों ने हमारे भाई का पेश किया। मेरा कोई नहीं है मेरा ये मेरा आदमी पहले पहले की तारीख में शहीद हो गया, पहले की तारीख में, ये उसी का बेटा था मेरा, उसी का बेटा था मेरा। अब मेरा कोई नहीं रहा, अब मेरा कोई नहीं रहा, मुठी हूँ, अब मेरा कोई नहीं रहा, इसी बेटे का सहारा था मेरे। मुझे इंसाफ चाहिए, 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 मुझे इंसाफ चाहिए। नजरें इस वक्त हम SMHS के अंदर आए हुए हैं, इधर मॉर्चरी के अंदर जो इस बच्चे की 30 साल के एक शख्स की डेड बॉडी है और ये उनकी फैमिली है। इस वक्त ये वाकया पेश आया है जहाँ पे एक शख्स का मुबीना तौर पे कत्ल हुआ है और ये कत्ल जो है पालपुरा के रहने वाली फैमिली है। लड़ाई हो गई है रिश्तेदारों में एक दूसरे के साथ और
से जाने की वाइफ से जाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मामला हुआ है। मेरे बेटे को डंडे से मारा है, डंडा डंडा मारा है, डंडा मारा है मेरे बेटे को, कातिल को सजा मिलनी चाहिए, आपको इंसाफ मिलेगा। दो चंद सुते लाडे मुझे हाथ लागू मेरा बेटा बेटा मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, खून के बदले खून चाहिए, मुझे बेटे के बदले मुझे बेटा चाहिए। मेरे साथ में अगर इंसाफ नहीं होगा मैं किसी दुनिया को नहीं मानूंगी, मैं किसी दुनिया को नहीं मानूंगी, मैं अपनी जान भी गुमा दूंगी। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा ये एक ही बेटा था, मेरा ये एक ही बेटा था, मुझे इसी बेटे का सहारा था, मुझे इसी बेटे का सहारा था। मुझे इंसाफ चाहिए, 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 मुझे इंसाफ चाहिए। खून के बदले खून, खून के बदले बेटे के बदले बेटा। पानी, इसके लिए पानी लेके आओ थोड़ा सा। चलो स्त्री शनि एमिस नाज़रीन, इस वक्त हम श्रीनगर के SMHS में आए हुए हैं। मुबैना तौर पे एक कत्ल का केस है जहाँ पे एक शख्स को जो 30 साल की उम्र तकरीबन होती उसका कत्ल हुआ है। ये उसकी फैमिली है, ये माई है, बूढ़ी माँ है, इसका एक ही आदमी शहीद हो गया है। पहले की तारीख में ये उसी का बेटा था, मेरा ये माँ है। इस वक्त मुझे इसी का परेशान है, यहाँ से ये फैमिली है। आपके आपका कितने बच्चे थे? आप जबरदस्ते खानदार से तिमन क्या उम्र बचन? अच्छा, वाक्य कित गो पेश वन तव डंड दब त्र तुंदिस खानदारस डंड दब कंस त्रो डंड दब आव त्रव बंद गो छम्बस बरदर यो अगर छम्बस गई लड़ाई कर दशवे बोन हमिस जखम ये योत मा मर तेल मर चुन हकी कथन सह ठीक योत क्या मूद अमिस क्या गो यूत छम क्या पहाड़ पे पे त्रो चोरों तुम सिस्टर तेज बहुत लक लकट बहन बहुत वन चल सो बचो तो यह क्या बचो अमस कून यथ मांद डॉक्टर वन तुम गमस क्या दल तक कर्म अद करो ट्रीटमेंट तथा तेज तमिस डॉक्टर अथे लागान कहीं
تُہۍ ؤنِو وۄنۍ أسۍ کیاہ کرو اَسہِ گژھِ اِنصاف آسُن تُہۍ ٲسۍ وَنان أمِس سۭتۍ بَسان کیٚنٛہہ کِنہٕ یہِ اوس پَنٕنہِ خانٛدر بَسان پانہٕ بیٚکِس جایہِ نہ یہِ یُس یہِ لٔڑکہٕ اوس نہ أمِس سۭتۍ کُس اوس بَسان أمِس سۭتۍ چھِ بَسان یِہوے خانٛدارٮ۪ن اچھا خانٛدارٮ۪ن تُہۍ چھِو حظ خانٛدارٮ۪ن یہِ خانٛدارٮ۪ن بیٚیہِ زٕ بَچہِ زٕ بیٚیہِ چھِ بَچہِ زٕ أمِس بَچہِ چھُ أمِس کیٚنٛہہ چھُنہٕ بَچہِ چھُنہٕ ہاونٕچ ضوٚرَتھ حظ اَہن حظ تِمَس وَنان تُہۍ ؤنِو پوٗرٕ أمِس کیٛاہ دٔلیٖل چھو تۄہہِ کٔرمٕژ أمِس حظ أمِس چھُ زخم سٲرسٕے پانَس یَپٲرۍ یَپٲرۍ تُہۍ وٕچھِو أمۍ سٕنٛز حالات تُہۍ وٕچھِو أمۍ سُنٛد پانَن أمِس چھُ زخم سٲرسٕے پانَس تُہۍ ؤنِو حظ اکھ سیکنڈ بہٕ کَرٕ یِمَن سۭتۍ تُہۍ ؤنِو حظ اکھ کَتھ تۄہہِ گٔے کوٗتاہ ؤری گٔے تۄہہِ أمِس سۭتۍ خانٛدرَس منٛز حظ دہ پَنٛداہ ؤری دَہو پَنٛدہو ؤریو پٮ۪ٹھ ٲسوا تُہۍ الگ بَسان یِمَن سۭتۍ اہن حظ اَسہِ اوس پَنُن ہیوٚتمُت پَنُن ہیوٚتمُت تُہۍ کَتہِ ٲسِو بَسان یِمَن سۭتۍ پَمپوش کالنی منٛز پَنٛدہو ؤریو پٮ۪ٹھ تہٕ بَچہِ زٕ تہِ ٲسۍ تۄہہِ ٹھیٖک پٲٹھۍ ٲسوا بَسان یِمَن سۭتۍ ٲسوا ٹھیٖک پٲٹھۍ بَسان خانٛدارَس سۭتۍ پَنٕنِس ٹھیٖک پٲٹھۍ ٲسوٕ بَسان لَڑایہِ جگڑٕ مہ اوس گژھان تِم آے اورٕ میٲنۍ بیٚنہِ میون آو تِم گٔے چھَمبَس دۄنوَے ڈُل یہِ گوٚو چھَمب یِم ٲسیا لَڑٲے کران تَمہِ ساتہٕ جَڑپہِ منٛز گوٚو یہِ لَڑٲے یہِ کُس کُس اوس تُہُنٛد بیم وغیرہ اچھا تۄہہِ رُکٲوکھ نہ تۄہہِ کٔرو نہ رُکاونٕچ کوٗشِش یِمن پَتہٕ حظ ٲسٕس بۄن کَنۍ میون اَکہِ چیٖزے بیٚنہِ خوٗن آو دُنہیُک یوٗت کال یہِ جے وی سی اوسُکھ واتنومُت پَتہٕ کوٚر مےٚ زامہِ آلو أسۍ گٔے ییٚتہِ بٲے تۄہہِ بُلٲوکھا فیملی یۄس تۄہہِ بیم ٲسۍ وغیرہ یِم بُلٲوکھا تۄہہِ اہن حظ میانہِ بیٚنہِ زِ اچھا تُہنٛزِ بیٚنہِ زِ تۄہہِ ٲسا یِمن سۭتۍ کَنیکشن یا زامہِ واج سۭتۍ یا ما یُس تۄہہِ ہش چھُ یِمن سۭتۍ ٲسِو نہ تُہۍ بَسان اچھا یُس تۄہہِ ہٕنٛز ہَش چھِ یہِ ٲس الگ بَسان یِہُنٛد وَنُن چھُ کہِ أمِس آو أمِس چھُ ڈَنڈٕ دَبامُت ترٛاونہٕ خانٛدارَس تُہٕنٛدِس نظر اس وقت کی جو بریکنگ نیوز ہیں بریکنگ سٹوری ہیں وہ ہم آپ تک ایس ایم ایچ ایس سے پہنچا رہے ہیں اس وقت یہاں موچوری میں ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہیں اور یہ وہ ان کی فیملی ہیں یہ وہ ساری فیملی ہیں یہاں وہ اس شخص کی جو ہے یہ بہن ہے یہ ماں ہے یہ اس کی بیوی ہے اور یہ ماں ہے ان کا کہنا یہی ہے کہ اس بچے کو جو ہے اس بچے کو جو ہے مارا گیا اس کو زبردستی جو ہے اس کے اوپر اس کو مار کے جو ہے اس کو زخمی کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کی مبینہ طور پہ جو ہے ڈیتھ ہوئی ہے حالانکہ ان کا کہنا ہے کہ ایک جھڑپ کے دوران وہ ایک جو ہے گر گئے اور اس کی وجہ سے جو اس کے سر پہ لگ گئی اور اس کی وجہ سے جو ہے اس کی موت ہو گئی لیکن اس کی جو فیملی ہے اس کا صاف طور پہ کہنا ہے کہ اسے جو ہے مارا گیا جس کی وجہ سے وہ اس کو لگ گئی جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے اب چونکہ جب ہم بات کرتے ہیں وادی کشمیر کی وادی کشمیر میں اس طرح کے گھریلو مسئلوں میں قتل و غارت کے قصے سامنے آنا کہیں نہ کہیں بڑا پیچیدہ ہے کہیں نہ کہیں بڑا ہی ایک ایسا معاملہ ہے جس معاملے پہ ہمیں نظر و ساز کرنا چاہیے یہ مجھے خون کے بدلے خون چاہیے بیٹے کے بدلے بیٹا چاہیے مجھے قاتل پیش ہونے چاہیے قاتل پیش ہونے چاہیے میں اکیلی پڑ گئی میرا ایک ہی بیٹا تھا مجھے اسی بیٹے کا سہارا تھا میرا وہ بیٹا بھی چن لیا لوگوں نے میرا وہ بیٹا بھی چن لیا مجھ سے لوگوں نے مجھے بیٹے کے بدلے بیٹا چاہیے مجھے خون کے بدلے خون چاہیے مجھے قاتل چاہیے مجھے قاتل چاہیے پھانسی چاہیے ان کو مجھے ان کو پھانسی ملنی چاہیے 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 ناظرین اس وقت آپ
इस फैमिली के हालात देख रहे हैं, बड़े पसमानदा फैमिली हैं, गरीब फैमिली हैं, और इस गरीब फैमिली में इस बूढ़ी माँ के साथ जो वाकया पेश आया है उससे इस वक्त माहौल यहाँ पे बड़ा ही बड़ा ही इस माहौल को चलते हुए आप देख रहे हैं कि ये माँ किस तरह से दिन दिला रहे हैं। अब इसका इकलौता बेटा जो है वो मैं अकेली बहुत हो गया है, कत्ल उसके साथ सहारा था, अब कोई नहीं है। मुझे खून के बदले खून चाहिए, मुझे खून के बदले खून चाहिए, मुझे बेटे के बदले बेटा चाहिए, मेरे से बेटे के बदले बेटा चाहिए। कातिलों को मेरे सामने लाओ, कातिलों को मेरे सामने लाओ। مگر رات اوس ٲٹھِ بجہِ مےٚ نِش ساڑِ ٲٹھِ درٛاے مےٚ نِش گوٚو گَرٕ چھُنہٕ پَتہٕ پاے پَتہٕ آز نَیہِ بَجہِ آو مےٚ بٔے کاکٕنۍ دوٚپُن नाज़रीन ये वो फैमिली है, ये इस शख्स की दो बहनें हैं और माँ हैं, और इनका इस शख्स का और कोई नहीं था कई सालों से, तकरीबन 13-15 साल से ये अपनी बीवी के साथ अलग रह रहा था, अपनी बीवी के साथ रह रहा था। और इसके बाद इस शख्स जो है अपनी बीवी के साथ रह रहा था, दो बच्चे इसके हैं, लेकिन एक वाकया में इस शख्स की मौत वाकया पेश आई है, यानी कि फैमिली के साथ अपनी बीवी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा था, और उसमें जो है उस बीवी की फैमिली आ गई, और जब वो आ गई तो उसकी वजह से जो है इस शख्स की मौत वाकया पेश आ गई, यानी कि वो कत्ल हो गया। और इसीलिए फैमिली की डिमांड यही है कि दो जो शख्स हैं, यानी कि जो इसकी बीवी के जो दो घर वाले थे, यानी कि उसका कोई साड़ू और वो उनकी वजह से जो है उन्होंने जो है इसको मार के कत्ल कर दिया है। और इस फैमिली का ही कहना है कि इनके साथ इंसाफ होना चाहिए, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। ये इस वक्त हम SMHS की मोर्चरी के बाहर हैं, इसकी जो कार्रवाई है इस हवाले से, यानी कि मेडिको लीगल फॉर्मेलिटीज़ इस वक्त की जा रही हैं, और उसके बाद जो है मासूम को जो है सुपुर्द खाक किया जाएगा। नाज़रीन जब हम बात कश्मीर की करते हैं तो कश्मीर में इस तरह के हालात, आप जो हैं घरेलू तशद्दुद की बातें जब करते हैं तो घरेलू तशद्दुद में इस तरह का ये वाकया बड़ा ही ख़तरनाक है, जिसमें कि एक शख्स की मौत वाकया पेश आई है। पसमानदा फैमिली है, गरीब फैमिली है, और इस वक्त इनके साथ ये जो बच्चा इनका है ये फोत हुआ है घरेलू तशद्दुद में। घरेलू तशद्दुद में इसका वाकया ये हुआ है कि एक बच्चा जो है उसके साथ उनकी वजह से एक घरेलू लड़ाई में बीवी के जो घरवाले थे वो उसमें आ पहुँचे उसमें, और उसका जो खावन जो है खावन फोत हो गया, खावन इस दुनिया से चला गया। ये उसकी फैमिली के हालात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। मज़ीद इस हवाले से अपडेट आप तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। फ़िलहाल के लिए आप दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।